गिरिडीह कोलियरी बचाओ संघर्ष मंच के विरोध के बाद भी मंगलवार को एमपीएल ने बनियाडीह ओपन कास्ट परियोजना से कोयला का उठाव शुरू कर दिया है। भारी संख्या में पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों की उपस्थिति में हाईवा से एमपीएल ने कोयला का उठाव किया। इस दौरान गिरिडीह कोलियरी बचाओ संघर्ष मंच की ओर से धरना स्थल पर एमपीएल के खिलाफ नारेबाजी की गई, लेकिन पुलिस की उपस्थिति के कारण किसी ने भी हाईवा को रोकने की हिम्मत नहीं की, महज नारेबाजी ही करते रहे। इधर आजसू जिलाध्यक्ष गुड्डू यादव के नेतृत्व में काफी संख्या में युवा गिरिडीह स्टेडियम में रुके हुए थे। वहीं ओपन कास्ट में जय माता दी रोडवेज के गुड्डू सिंह, शंकर यादव समेत झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन अध्यक्ष हरगौरी साहू, सचिव तेजलाल मंडल, अर्जुन रवानी आदि उपस्थित थे। वहीं सीसीएल गिरिडीह के परियोजना पदाधिकारी एसके सिंह, एसडीपीओ अनिल सिंह, थाना प्रभारी आरएन चौधरी आदि उपस्थित थे। गिरिडीह कोलियरी बचाओ संघर्ष मंच के धरना स्थल पर राजेंद्र यादव, कंपू यादव, कमलचंद साहू, राजेंद्र यादव, माले नेता राजेश यादव, राजेश सिन्हा आदि मौजूद थे। जिंदाबाद 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 एमपीएल के दलाल, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एमपीएल के दलाल, होश में आओ, होश में आओ, एमपीएल के दलाल, पीछे भागो, पीछे भागो, लोकतंत्र पर हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। स्थानीय गरीबों की रोजी रोटी छीनने की साजिश बंद करो, बंद करो, बंद करो। यदि एमपीएल का ऑफिस घर में चलाना ही है तो बड़ा बड़ा बोर्ड लगा दे कि एमपीएल का ऑफिस है। वहाँ पे वार्ता क्यों होती है? एमपीएल का अपना ऑफिस नहीं है क्या? हम उनका विरोध करते हैं। और यहाँ पे जो लोकल मजदूर हैं, एक एक जगह पे जाके जन संगठन तैयार करके हम लोग जो यहाँ पे दलाल किस्म की जो कोयला चोर है, जिसको पुलिस प्रोटेक्शन मिलता है, एक एक नाम को चिन्हित करके उसको पीछे धकेलने का काम करेंगे। जनता के सामने वो जो दलाल है, वो दलाल को पीछे धकेलेंगे और उनका जो पर्दा फाश करेंगे, और जो प्रतिनिधि से गठबंधन है उसको भी हम लोग जन जन तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पुलिस प्रशासन और बड़े पैमाने पर बाहर के लोगों को ले करके उनके भरोसे एक यहाँ पूरा एक गिरोह बना करके, एक गठजोड़ बना करके और ताकत के बल पर लोकतंत्र का हनन करके, और यहाँ ओपन कास्ट से आज एमपीएल कंपनी के लिए कोयला उठाने का रोड सेल से ये काम इन लोग यहाँ जबरन शुरू कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से ये कहना चाहते हैं, यहाँ संघर्ष मंच के तरफ से हम ये कहना चाहते हैं, ये लड़ाई अभी चलेगी और हम इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। आज आप लोग जिस तरह से बाहर के लोगों को ला करके और यहाँ ताकत के बल पर और यहाँ के लोगों का रोजगार छीनने का जो शुरुआत किए हैं, बहुत जल्द यहाँ पर लोकल वो तमाम मजदूर जो असली मजदूर हैं, ठेकेदार नहीं, मजदूर, वो मजदूर यहाँ अपना काम मांगने के लिए आएंगे और ये उनका पूरा अधिकार भी है। हम इस दिशा में बढ़ेंगे, हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। हमारी लड़ाई लोकतांत्रिक रूप से चल रही है, हम इसके पूरे साथ हैं और जो लोग गलत कर रहे हैं उनको सोचने की जरूरत है। जो धरना दिया जा रहा है ओपन कास्ट कोलियरी में, उसमें गुंडे तत्व लोग आए हैं जो एमपीएल का कोयला का उठाव करने के लिए भारी संख्या वो ले जाते हैं, वो 1200 रुपये टन में, और वही कोयला को हम लोग ले जाते हैं जी 7 का रेट में, जिसका रेट 4000 रुपये टन होगा, जिससे काफ़ी राजस्व की हानि होगा। इसको देखते हुए सरकार को इसे विचार करना चाहिए और वाजिब जो होता है जो फैसला होना चाहिए। 4 बार एमपीएल आई है लेकिन हम लोगों ने उनसे आग्रह किया, वो स्वतः चली गई, क्योंकि छोटी कोलियरी है, जीविका उपार्जन के लिए सारी गाड़ी मालिकों का यहाँ से रोजी रोजगार चलता है, बहुत सारे लेबरों का यहाँ से पेट चलता है। आज लोकतंत्र की हत्या करते हुए कुछ जनप्रतिनिधि और यहाँ के स्थानीय जो बड़े बड़े पद पर हैं, बड़े बड़े राजनीतिक दलों के पद पर हैं, आज वैसे लोगों को देखा जाए कि सारे के सारे 2000 से ऊपर के आदमियों को गुंडा, यहाँ तक उसको गुंडा कहा जा सकता है, गुंडा लेकर के आए हैं एमपीएल का उठाव करने के लिए। ये सीधा तौर पर लोकतंत्र की हत्या है और मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि इस लोकतंत्र के हत्या पर आप न्याय करें। जिला प्रशासन से भी मैं मांग करता हूँ कि इस पर अगर न्याय करें, अगर आप लोग न्याय नहीं करते हैं, ये कोयला का उठाव यहाँ से करके ले जाते हैं, तो हम लोग आत्मदाह करने के लिए भी तैयार होंगे और उन माननीयों के घर में जाकर के आत्महत्या करेंगे जो यहाँ पे उठाव के लिए आए हैं। यह भी हमारी आवाज़ को कुचला जा रहा है पैसे के बल पर। आप देख सकते हैं कि सारे लेबर को कुछ ना कुछ रुपये वहाँ पर दिया जा रहा है। आज यहाँ से यहाँ देख लीजिए, वहाँ भाड़ा के जो गुंडे आए हैं, जो आपके स्टेडियम के पास में खड़ा है, ये क्या दर्शाता है? ये साथ ये दर्शाता है कि यहाँ पे कोयला लूटने की साजिश चल रही है। और हाईवा पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? हाईवा पर जोर इतना इसलिए दिया जा रहा है कि यहाँ से तो
G7 और G10 का, G7 G6 के कोयला का उठा होगा, लेकिन आगे जाएंगे वो G12 में बदल जाएंगे। और ये कहाँ डंप यार्ड में खाली होगी इसकी भी आप लोग जांच कर लें। यहाँ पे तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है, यहाँ पे भूख से मारने की राजनीति हो रही है। यहाँ लोग ये नहीं देख रहे हैं कि लोगों की जान जा रही है भूख से, लेकिन यहाँ ये लोग देख रहे हैं कि हमारी पेट भर रही है। ये साथ साथ न्याय है हम लोगों के साथ, अगर आप लोग न्याय कीजिए। मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत होती है, मैं मीडिया के दोस्तों से भी यह निवेदन करता हूँ कि हम लोगों का न्याय करें और हमारी आंदोलन को सफल बनावे। हम अपनी आंदोलन को नहीं बोलते हैं, जनहित का मामला है, जनता का जुड़ा हुआ मामला है, आप उसे सफल बनावें।